जी प्रेमचंद जी, आप चैलेंजेस की बात हो रही थी, अभी आपने राहुल गांधी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, प्रियंका जी अभी बोल रही थी, उन्होंने कहा कि बहुत बहुत बधाई की बात है और इस आज का जो दिन है उसको मैं कोई कलर नहीं देना चाहता, लेकिन हाँ वो जो भी हमको करना है उसका विश्लेषण वो बाद में होगा, लेकिन आज तो बधाई दी है उन्होंने और कहा कि विचारधारा बीजेपी की जीती और नरेंद्र मोदी की जीत हुई है। जी हाँ, निश्चित रूप से राहुल जी की बातों से स्पष्ट है कि हम अपनी विचारधारा पर आधारित राजनीति को आगे बढ़ाते रहेंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे, कांग्रेस की सोच और कांग्रेस के सिद्धांतों पर चलेंगे और प्यार बांटते रहेंगे। जो सबसे बड़ी बात कही कि प्यार कभी नहीं हारता, प्यार जीतेगा, एक न एक दिन प्यार जीतेगा, भाईचारा जीतेगा। प्यार जी 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 अमर सिंह जी की जी 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 अमर सिंह जी, क्या कहा आपने? आप कभी चौकीदार चोर है नहीं कहेंगे। प्रेमचंद जी आपने सुना अमर सिंह जी कह रहे हैं कि अब आप कभी ये बात जी जेपीसी से जांच करा दीजिए ना, अब क्या दिक्कत है, इतना प्रचंड बहुमत है, क्या दिक्कत है, आप ही की पार्लियामेंट्री कमेटी होगी, जांच करवा दीजिए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। नहीं होना चाहिए, अभी ये हमारे हाथ में नहीं ना, तो मैं अभी आदेश दे दूं। चलिए आप बधाई। नहीं हमको बधाई मत दीजिए, मैं अभी न्यूट्रल हूँ, मैं जो इतने लोग यहाँ बैठे हैं सच मानिए मेरा राहुल जी के प्रति बहुत अनुराग है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व था, चुनाव संपन्न हुआ, मैं समझता हूँ सभी देशवासियों को जी, मैं अनुराग अनुराग की तरफ रुख करना चाहेंगे, उनके पास खबर है, अनुराग के पास कोई अपडेट है? जी अनुराग, जी अनुराग, मेनका गांधी जी सुल्तान, देखिए बहुत दिलचस्प प्रतीक, बहुत दिलचस्प यहाँ पर अपडेट है कि राहुल गांधी ने अपनी हार स्वीकार कर लिया अमेठी से, लेकिन क्या ट्रेंड देखकर स्वीकार कर लिया, क्योंकि काउंटिंग अभी भी जारी है अमेठी में, लगभग 30,000 वोट से राहुल गांधी पीछे चल रहे हैं और 1,00,000 से ज्यादा वोट अभी वहां पर गिने जाने बाकी हैं। तो ये दिलचस्प है बेहद कि क्या राहुल गांधी ने लगातार पिछड़ने का ट्रेंड देखते हुए वहां से हार स्वीकार कर ली है बिना डिक्लेयर हुए, अभी वहां से हार डिक्लेयर नहीं हुई है उनकी। और दूसरी दिलचस्प चीज़ ये कि यहाँ पर बैठे भी अमर सिंह जी, जरा इनसे पूछिए कि इतना बिटर कैंपेन हुआ आजम खान और जयाप्रदा के बीच में, इतना अपशब्दों का इस्तेमाल भी हुआ, उसके बावजूद आजम खान 125,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, उसको कैसे लेते हैं अमर सिंह जी? जी रामपुर में चुनाव लड़ना, जनसंख्या के आधार पर मैं कोई मजहब और धर्म की बात नहीं करूँगा, अपने आप में एक विकट समस्या है और वहाँ पर एक समुदाय एक तरफा उसको कमल से एलर्जी है, लेकिन फिर भी वहाँ चुनाव लड़ा गया, मजबूती से लड़ा गया और वहाँ आजम खान के जीतने से शहाबुद्दीन भी बिहार में जीत जाते थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो शरीफ जादे थे। तो उसी तरह से आजम खान का चुनाव जीतना, तो ये आपने हार का ये कारण ढूंढा है? कारण नहीं ढूंढा, हार होती है जी जी, एक प्लीज प्लीज, हार होती है हाँ। और हार अगर है, लेकिन अभी भी वहाँ पर 7-8 राउंड बाकी है जी, 7-8 राउंड हो जाए, मैं नहीं कहता हार नहीं होगी जी या जीती होगी हाँ। वहाँ कभी भी आपने मेरा बयान नहीं सुना हुआ कि रामपुर से हम जीत रहे हैं, हमने ये हरदम कहा कि रामपुर में हमने अच्छी लड़ाई लड़ी है, लेकिन जीत या हार किसी की हो, महिला के अंतर वस्त्रों का जो वर्णन किया गया है, पाकिस्तान को महिमा मंडित किया गया है, दाऊद को और अबू सलीम को गौरवान्वित किया गया है, तो वहाँ की जनता का एक वर्ग इसका समर्थन करता है, वो धन्य है जनता, लेकिन इससे हमारे विचार नहीं बदलते और इससे हम हारने से हम दुखी नहीं हैं और जीतते तो हम बहुत प्रफुल्लित होते। लेकिन 30,000 वोटों से अमेठी में, जैसा कि अभी अनुराग अपडेट कर रहे थे कि पीछे हैं राहुल, लेकिन अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, हार स्वीकार कर ली, तो ऐसी स्थिति तो अमेठी में कभी बनी नहीं, शायद इसी को सोच के उन्होंने बनी थी 77 में कांग्रेस हारी थी जी, मैंने यहाँ एक बार कहा इसको जी, उसके ठीक 21 साल बाद कांग्रेस फिर हारी, संजय श्रीकांत क्या नाम उसका, रविंद्र प्रताप सिंह, कैप्टन शर्मा को संजय सिंह ने हराया था 1998 में, और आज 21 साल बाद फिर कांग्रेस हार रही है। नहीं हाँ, रविंद्र प्रताप सिंह ने 77 में हराया था, 77 में संजय गांधी को हराया, इनके चाचा थे, और 98 में संजय सिंह ने हराया सतीश शर्मा को, कैप्टन सतीश शर्मा को, और आज 21 साल बाद नहीं, लेकिन गांधी परिवार पहली बार 77 में हरा,
तो दूसरी बार अब हार रहा है, दूसरी बार जी, तो लड़ा जी, नहीं जी। मैं कह रहा हूँ 21 साल के गैप पे कांग्रेस हारती है। तो अगर इनको हमसे पूछा होता तो मैं इनको बता देता कि बेटा इस बार मत लड़ो, अगली बार देख लेना। शाजिया इल्मी हमारे साथ जुड़ रही है और शाजिया आपका स्वागत है, बहुत बहुत शुभकामनाएं शाजिया। धन्यवाद धन्यवाद, मुझे लगता है सबको शुभकामनाओं की जरूरत है और ये बहुत ही शानदार जनादेश है जो हम देख रहे हैं। पर मुझे बहुत अचरज होता है क्योंकि राहुल जी ने हार को बहुत ही विनम्रता से स्वीकारा है, लेकिन बजाय ये कि वो अमेठी के रिजल्ट का वेट करते हैं, उन्होंने पहले ही बधाई जो है स्मृति ईरानी जी को दे दी है, तो उन्होंने इंतज़ार तक नहीं किया। मुझे लगता है वो थोड़ा और इंतज़ार कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है जनादेश जो आया है आपको एक दो तीन बातें बतानी है। ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है उनकी विनम्रता है, मैंने खुद ही कहा, लेकिन मुझे लगता है वो अगर इंतजार करते तो अच्छा रहता। ताजिया दिल्ली में, दिल्ली में 7-0 जो फैसले भी आए हैं जो आप देख रहे हैं, दिल्ली में 7-0 7-0 नहीं नहीं मैं कुछ और कहना चाह रही हूँ कि जो ये फैसले आते हैं ये कमाल के फैसले हैं और मुझे लगता है पॉलिटिक्स विल नेवर बी द सेम। राजनीति मुझे लगता है बहुत ही बुनियादी तौर पर बहुत ही बदल गई है, जो जनादेश है।